सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि। जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मुझ में आने वाला या रहने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भूखा ना रहे, ये उदार भावना तो श्री राम जी के दरबार में ही हो सकती है। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोनास किंगडम में। भुज ब्लॉग की सीरीज में आज हम देखेंगे भुज का श्री राम रोटी और छाछ केंद्र, जहाँ पे न जाने कितने सालों से लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, वो भी एक परिवार समझ कर। भुज के हमीसर तालाब के पास जो राम दरबार है, जहां अखंड रामधुन बोली जाती है, जिसका वीडियो हम पहले देख चुके हैं, उसी के पास से रास्ता जाता है श्री राम रोटी और छाछ केंद्र का। में स्थापना हुई श्री राम रोटी और छाछ केंद्र की, जिसका उद्देश्य था कि भुज में आने वाला और रहने वाला कोई इंसान भूखा ना रहे। पिछले 35 सालों से यहां रोज अनगिनत लोगों को खाना खिलाया जाता है। भुज में रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि चाहे उसकी आर्थिक परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों न हो जाए, वो या उसका परिवार कभी रात में भूखे पेट नहीं सोएंगे। श्री राम रोटी छाछ केंद्र ભુજમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી ચાલુ છે। ભુજમાં આવનાર કોઈ પણ ભૂખ્યો ન રહે એ ઉદ્દેશ્ય છે। 2011 સુધી તદ્દન ફ્રી ઓફ જમાડતા હતા। 2011 આ કોલેજો ચાલુ થઈ એના વિદ્યાર્થીઓ અને અમુક રીતે સાવ નબળા માણસોએ કીધું કે અમે સાવ ફ્રી ઓફ ન જમીએ, ટોકન લ્યો। એના અનુસંધાને ટ્રસ્ટી મંડળે નક્કી કર્યું કે આપણે 20 રૂપિયા લઈએ અને અહીંયા 20 રૂપિયા ભોજન અને માથે ફ્રી ઓફ ભોજન। બહુત સાલો સે યહાં પે સિર્ફ ફ્રી મે હી ખાના ખિલાયા જાતા થા, પર કુછ લોઅર મિડિલ ક્લાસ લોગ જો યહાં કર ખાના ખાતે થે, ઉનકો સંકોચ હોને લગા કે હમ બિલકુલ ફ્રી મે ખાના ના ખા કર ઇસ સંસ્થા કો થોડા બહોત ભી યોગદાન કરે। તબ સે તય કિયા ગયા કે સિર્ફ 20 રૂપિયે કે ટોકન મે વહી ખાના સર્વ કિયા જાયેગા। અગર આપકો પૈસે દેકર ખાના ખાના હે તો જસ્ટ 20 રૂપિયે કે ટોકન મે આપ ખાના ખા સકતે। તબ સે તો સેશન બના દિયા ગયા કે ઉપર કે સેશન મે આપકો फ्री में खाना खिलाया जाएगा और नीचे के सेशन में वही खाना 20 रुपए के टोकन में आपको मिलेगा। अब सोचिए 20 रुपए में आज इतना अच्छा खाना, घर जैसा खाना आपको कहाँ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी सेवा हो रही है इस संस्था द्वारा। आपकी मर्जी हो आप वहाँ खा सकते हैं, पर संस्था की तरफ से आपसे कुछ नहीं लिया जाता। મહેલોં મે રાખે ચાહે ઝોપડી મે બાસ દે, મહેલોં મે રાખે ચાહે ઝોપડી મે બાસ દે। આપ धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। यहाँ पे बहुत से लोगों की रसोई आसानी से बनाने के लिए अद्यतन साधन भी उपलब्ध है। किचन में बहुत सफाई और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। यहाँ हर रोज मार्केट से फ्रेश सब्जी मंगाई जाती है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग। इस संस्था की और भी बहुत सी सेवाएं हैं,
जैसे कि गरीब या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो उन परिवारों को राशन किट पहुंचाई जाती है। मरीजों को मेडिकल किट का भी दान किया जाता है। कच्छ के अबड़ासा लखपत और नखत्राणा तालुका की बहुत सी गौशाला और मंदिरों में जहां किसी दूसरे दादा की नज़र अभी तक नहीं पहुंची है वहां हर महीने यहां से दान और चारे की व्यवस्था की जाती है। रणोत्सव के समय पे कच्छ में जब हजारों प्रवासी आते हैं उनके लिए भी यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। गुजरात के 33 जिलों के स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। सितारा सीताराम कहिए जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा वाहि विधि राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान जो खाना ऊपर फ्री में सर्व होता है वही सेम नीचे 20 रुपए के टोकन में सर्व किया जाता है। यहाँ लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता। पछाण बधुं यहाँ बनावी नहीं करावी छे, बाहर नी कोई वस्तु नहीं। मिष्टान पसंद बदु ये मिष्टान भी छे यार उसा आ मिष्टान छे तो मैं अच्छा हूं दुनिया नु बनावी ले करावी मैं अच्छा हूं। लकड़िया माटिया पावले से तीरा जाने अच्छी बात है ना। ये सब जो नाश्ता है ये यहां पे ही बनाया जाता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। यहाँ से भुज की जीके जनरल हॉस्पिटल के 200 दर्दियों के लिए हर रोज खाना पहुँचाया जाता है। जो कुछ यहाँ बनता है सब वहाँ भी सर्व होता है। सोचिए इतने सालों से ये इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं पर कहीं पे कुछ पब्लिसिटी नहीं, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ भी नहीं। ऐसा कहते हैं कि हम दाएं हाथ से अगर दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, पर हम तो किसी को अगर 500 रुपए का भी दान देते हैं तो रिसिप्ट के साथ फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। नो वंडर चाहे कच्छ में कितने ही अर्थक्वेक आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई भी महामारी आ जाए, फिर भी कच्छ के लोग फिर से उठ खड़े होते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि कच्छ के लोग बहुत ही दानवीर है। यहाँ पे दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत ही लोग रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। ये राम जी की प्रेरणा से ही ये वीडियो बना है ताकि इस संस्था के उम्दा कार्यों को पूरी दुनिया जान सके और हम इनसे कुछ सीख सके कि चुपचाप दान कैसे किया जाता है। वैसे तो इस राम रोटी और छाछ केंद्र में दाताओं की कभी कमी नहीं रही है, फिर भी अगर आप इस संस्था में डोनेशन देना चाहे तो जरूर दे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका एक एक पैसा किसी भूखे या गरीब के पेट में ही जाएगा।